राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे में जयपुर में बैठे कांग्रेसियों को रायपुर के अधिवेशन से बहुत उम्मीद है। उन्हें लगता है कि अधिवेशन से राजस्थान कांग्रेस का हल निकलेगा। वही इस बीच सचिन पायलट ने 51 सेकंड का अपना वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक राजनीतिक संदेश दिया है। सचिन पायलट ने इस वीडियो में कहा, अधिवेशन से देश भर में कांग्रेसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत जाएगा। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए संगठन पूर्ण रूप से तैयार होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हम सभी संगठित होकर काम करें। भाजपा को हराने के लिए हम लोगों को राज्यों में चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। भाजपा की नीतियों के विरुद्ध हम एकजुट होकर काम करेंगे। यही संकल्प हम यहां से लेकर जाएंगे। कांग्रेस देश में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। मैं समझता हूं कि इस साल देश में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए भाजपा की जो कार्य प्रणाली है, उसको एक्सपोज करने के लिए हम सड़क पर आना होगा। भाजपा के विरोधियों को सभी दलों को साथ लेकर चलना होगा। विशेष रूप से कांग्रेस को व्यापक बनाने के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस वीडियो में जिन बातों का जिक्र किया है, उससे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि इस अधिवेशन में राजस्थान से कई दिग्गज नेता गए हुए हैं। हालांकि रायपुर में जिन समस्याओं के राजनीतिक हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही थी, उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपको बताते चले कि रायपुर के इस 3 दिवसीय अधिवेशन में राजस्थान से लगभग 500 लोग गए हुए हैं। पीसीसी मेंबर के साथ ही साथ सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और अन्य नेता भी गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस के दिग्गजों के साथ पीसीसी मेंबर शामिल हुए हैं। इस अधिवेशन के बाद सीधे विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो जाएगी। इसके लिए अब संगठन के साथ ही साथ सरकार को भी पसीना बहाना है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।